सुबह जल्दी उठना मेरे 24 घंटे के दिन को 48 घंटे में बदल देता है। मेरी सुबह जल्दी उठने की आदत है। हाँ, कभी कभी देर में से भी उठती हूँ मैं सोके, लेकिन 5, 5:30 बजे तक मैं जाग जाती हूँ। और ये सुबह का टाइम देखिए मेरे लिए होता है एक पार आवर। और फिर चाहिए एक कप गर्मा गर्म चाय, और बाहर आकर प्लांट्स के बीच में बैठकर मैं चाय पीती हूँ। लेकिन इस टाइम में अपने दिमाग में कोई भी काम की टेंशन नहीं लेती, बहुत ही कूल और शांति से मैं चाय पीती हूँ। और ये टाइम मुझे एक अलग ही एनर्जी से भर देता है। कोई झंझट नहीं, कोई टेंशन नहीं, और इस वक्त सब सोए रहते हैं तो वैसे भी बिल्कुल शांत रहता है दिमाग। और इस टाइम से मेरे अंदर आ जाती है एक अलग ही एनर्जी काम करने की। तो नमस्ते फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू कैच लाइव विद भूमि। आज शेयर कर रही हूँ मैं आपसे अपना डेली क्लीनिंग का रूटीन, की मैं डेली किस तरह से अपने घर की सफाई करती हूँ। वैसे तो मैं रात को काफ़ी सारी सफाई कर देती हूँ, क्लटर नहीं रहता घर में कहीं पे भी, लेकिन फिर भी सुबह उठने के बाद बहुत सारी चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई मिलती हैं। आप समझ सकते हो, इन सब को उठाना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा काम होता है। इन सब को उठाना, रखना, छोटी छोटी सी चीज़ें, क्योंकि नहीं मिलेंगी तो सब मुझसे ही पूछते हैं। देखिए, जगह जगह कुछ ना कुछ सामान मिलता रहता है, और उसके बाद मैं उठाती हूँ सारे रग्स और कारपेट्स जो घर में बिछे हुए हैं, अच्छी तरीके से झाड़ लेती हूँ। अब क्योंकि घर में कोई मेड तो मैं नहीं रखती हूँ, अकेले ही मुझे काम करना है, और करीब 5-6 रूम्स हो जाते हैं, कमरे हो जाते हैं, लॉबी हो जाती हैं, इसलिए इन सारी जगह पे रग्स बिछे हुए हैं। तो इन सब को उठाना और कायदे से झाड़ के रखना, ये भी सुबह एक काम होता है। तो देखिए, इस तरह से सबको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ तो जो डस्ट है इनकी वो सब निकल जाती है, और इनको मैं रूम से बाहर लाके यूटिलिटी एरिया में करती हूँ। और फिर काम होता है, देखिए सबको जगा दिया इसी टाइम पे मैंने, और जगने के बाद सारे बेड्स को क्लीन करना, चादर बिछाना। हाँ, बेटा अपने रूम की कर लेता है, लेकिन बाकी सारी जगह की जो अरेंज करना है चादरों को, वो सब मेरा ही काम होता है। तो इस तरह से बेड बनाना, सारे कमरे सही करना, लिविंग एरिया के कुशंस को सही करना, ड्राइंग रूम के कुशंस को सही करना, वैसे तो कई जगह ये सही ही रहते हैं, रात को भी मैं काफ़ी दफ़े कर देती हूँ, लेकिन हम एक जैसा रूटीन रोज नहीं रख पाते। कई दफ़े तो हम रात को कर लेते हैं, कई दफ़े नहीं कर पाते हैं। तो उसी तरह से जहाँ का नहीं हुआ रहता है उसको मैं अच्छी तरीके से क्लीन कर देती हूँ, खासकर लिविंग एरिया, क्योंकि इसमें बहुत सारा टाइम बच्चे रहते हैं। ऊपर का भी जो लिविंग एरिया है इसमें भी बच्चे नीचे काफ़ी उधम करते हैं ऊपर, क्योंकि उनका रूम है तो वो ऊपर इसी लॉबी को ख़राब करते हैं। अब देखिए, ये है एक अलमीरा यूटिलिटी एरिया में, जिसमें रहते हैं सारे क्लीनिंग का सामान। ये चारों बास्केट जो हैं वो क्लीनिंग की हैं। सारे घर की क्लीनिंग का सामान मैं एक ही जगह रखती हूँ। पहली बास्केट में रहता है डेली क्लीनिंग का सामान, जिसमें अलग अलग तरीके के क्लीनर्स, ग्लव्स रहते हैं, और ये चींटियों को हटाने का लिक्विड है, और अलग अलग तरीके के कपड़े रहते हैं। इसके अलावा ये है बास्केट दूसरी, जिसमें कि बाथरूम क्लीनिंग का सारा सामान रहता है। तो जब कभी भी बाथरूम साफ करना होता है तो इसी बास्केट को मैं ले लेती हूँ। इसमें सारा सामान, यहाँ तक कि ग्लव्स वगैरह, सब सेपरेट में यूज़ करती हूँ। उसके बाद इस बास्केट में रहते हैं जितने भी नया सामान होता है डस्टिंग का, जैसे मॉपिंग का, देखिए नया सामान रखा है, नए जो हैं कपड़े वगैरह रखे रहते हैं, और कई दफ़े हमें बड़े बड़े कपड़ों की ज़रूरत होती है डस्टिंग करने के लिए, तो वो इसमें रहते हैं। बास्केट का मैं यूज़ इसलिए करती हूँ कि क्योंकि ऊपर नीचे मुझे जाना पड़ता है सफाई करने के लिए, तो काफ़ी हैंडी रहती है और आसान है। इसके बाद स्टार्ट होती है झाड़ू लगना। अब झाड़ू जब मैं लगा रही होती हूँ, इससे पहले मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर देती हूँ, तो ब्रेकफास्ट भी बनता रहता है, और इधर मैं पूरे घर में लगा देती हूँ झाड़ू, और बहुत अच्छी तरीके से अंदर से बैठ के नीचे से मैं बहुत अच्छे तरीके से दबा के झाड़ू निकाल देती हूँ। क्योंकि अगर आप अच्छे तरीके से झाड़ू निकाल देंगे तो आपकी मॉपिंग बिल्कुल, आप देखेंगे कि घर में मॉपिंग बहुत आसान है, साफ रहता है घर। तो खूब अच्छे से दबा के सामान को हटा के मैं निकाल देती हूँ झाड़ू, और झाड़ू लगने के बाद सब करते हैं ब्रेकफास्ट। देखिए कितना सारा कूड़ा निकल कर आया। अब ब्रेकफास्ट हो गया, सब नहा धो के चले जाते हैं, तो मैं लगा देती हूँ मशीन का एक लोड। तो देखिए, इस तरह से मैंने लगा दी मशीन।
तो जितने भी कपड़े हैं, वैसे तो मैं लॉन्ड्री का एक अलग आपके संग रूटीन शेयर करूंगी, लेकिन इस टाइम पे जितने कपड़े होते हैं उन सबको मैं धुलने डाल देती हूँ और मेरी मशीन स्टार्ट हो जाती है। अब देखिए, ब्रेकफास्ट होने के बाद किचन में फैला रहता है सामान, तो इस सारे सामान को अरेंज करना और किचन की सफाई करना मैं शुरू करती हूँ। वैसे तो मैं किचन की रात को बिल्कुल डीप अच्छे से क्लीन करके, डीप क्लीनिंग टाइप करके सोती हूँ, लेकिन फिर भी मॉर्निंग में अच्छे से क्लीनिंग कर देती हूँ मैं ब्रेकफास्ट के बाद, और करती हूँ उसके बाद खाने की तैयारी। इस टाइम करीब 8 बज रहे होते हैं, 8:30 ही बज रहे होते हैं। और देखिए, स्टार्ट आज मैंने बनाने की सोची है भिंडी और अरहर की दाल, तो इससे मैं बनाऊंगी आज, ये दोनों चीज़ बनाऊंगी खाने में। तो देखिए, खाना बनना स्टार्ट हो गया, और उसके बाद मैंने जितनी भी डस्टबिन में जितनी जगह भी कूड़ा था वो सब मैं बाहर, स्वीपर आता है तो इसलिए मैं सारी डस्टबिन को खाली करके रख देती हूँ बाहर, और डस्टबिन धो देती हूँ सारी। उसके बाद क्योंकि खाना बनता रहता है और मैं बहुत आराम से इंजॉय करती हूँ डस्टिंग करते टाइम या तो कोई म्यूज़िक लगा लेती हूँ या कोई वीडियो देखती रहती हूँ। और डस्टिंग करने के लिए अगेन मैं एक हर्बल प्रोडक्ट का यूज़ करती हूँ। आप कोई भी प्रोडक्ट का यूज़ करिए, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, जो भी आपका मन करे आप उस प्रोडक्ट का यूज़ करिए, मैं थोड़े से हर्बल प्रोडक्ट का यूज़ करती हूँ। इससे देखिए ये मक्खी मच्छर वगैरह भी भाग जाते हैं, कॉकरोच वगैरह भी। और मैं करती हूँ मेरा सबसे पसंदीदा काम, और वो है अपने सारे डेकोर आइटम्स की सफाई। कभी कभी उन्हें अलग तरीके से अरेंज भी कर देती हूँ, हल्की फुल्की सफाई ही करती हूँ, बहुत ज़्यादा मैं इसकी डीप क्लीनिंग नहीं करती हूँ। डीप क्लीन कैसे करती हूँ उसका भी मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तो जो भी सामान रखा है उसको थोड़ा बहुत हटा के, जहाँ ज़्यादा गंदगी लग रही है उसे उस तरह से साफ कर दो, हटा दो, अदरवाइज थोड़ा सा ऊपर से ही पोंछ दो। इस टाइम देखिए बहुत सारे काम हो रहे होते हैं, घर में खाना तकरीबन बन रहा होता है, मशीन चल रही होती है, तो मुझे मेरे काफ़ी सारे काम मेरे ख़त्म हो रहे होते हैं, तो मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती है कामों की, और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा होता है और मैं इंजॉय करती हूँ। और वैसे भी क्योंकि डेकोरेशन करना मेरा एक पैशन है, तो मुझे इसमें बहुत अच्छा लगता है। मैं देखती रहती हूँ चीज़ों को, थोड़ा सा चेंज करती रहती हूँ और सफाई करती रहती हूँ। तो जिस चीज़ का आपका पैशन होता है उस चीज़ को करने में आपका मन भी लगता है, तो आपको अच्छा भी लगता है, आप थकते भी नहीं हो और उस काम को इंजॉय करते हो। क्लीनिंग में हमेशा इंजॉय करती हूँ, और इसीलिए मैंने कभी कोई मेड भी नहीं लगाई। अब मेड लगाने का मतलब यह है कि आप इंतज़ार कर रहे हैं, बैठे हैं उसका, और सबसे अच्छी बात है इस टाइम पे मेरी एक एक्सरसाइज भी हो जाती है, मेरा कोई टाइम भी वेस्ट नहीं होता है, और मैं अपना क्योंकि ब्रेकफास्ट कर चुकी होती हूँ तो अच्छी तरीके से अपना इंजॉय भी करती रहती हूँ। तो कभी कभी मैं फेस पैक वगैरह भी इसी टाइम पे लगा लेती हूँ, कुछ फेशियल वगैरह करने होते हैं अपने तो मैं वो भी कर लेती हूँ, तो बहुत अच्छे से क्योंकि घर साफ होना स्टार्ट हो जाता है तो और भी अच्छा लगने लगता है। अब जब सामान साफ होता रहेगा तो अच्छा तो लगेगा ही, तो धीरे धीरे पूरा घर ये चमकने लगता है। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है क्योंकि घर में काफ़ी सारा काम हो चुका है तो इस वक्त आप थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करते हो, क्योंकि जब काम पड़ा रहता है तो हम लोगों को एक अलग तरीके की इरिटेशन होने लगती है कि इतना सारा काम पड़ा हुआ है तो मन भी नहीं लगता। तो अगर आप टाइम पे काम करेंगे तो ये अच्छा लगता है। कभी कभी चीज़ें मुझसे मिस भी हो जाती हैं, छूट भी जाती हैं, ऐसा नहीं है कि हम ये सब चीज़ें हमेशा करते हैं। तो देखिए इस तरीके से ये पूरी क्लीनिंग हो जाती है। अब बारी आती है मॉपिंग की, तो देखिए मेरी मशीन अभी चल रही है, मुझे पूरी डस्टिंग करने में कभी करीब 20 मिनट्स लगे और अब स्टार्ट हो जाती है मेरी मॉपिंग। तो देखिए जब पोंछा लगाती हूँ उसके लिए अगेन देखिए हर्बल क्लीनर है, इसका ही मैं यूज़ करती हूँ, और इसे मैं भर लेती हूँ शीशी में, और ये बिल्कुल मैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ही यूज़ करना चाहती हूँ अपने घर में, तो इसी तरीके से हर्बल प्रोडक्ट का यूज़ करती हूँ मैं सारी सफाई करने में। तो स्टार्ट हो गई मेरी मॉपिंग, और इससे मेरी एक एक्सरसाइज भी होनी स्टार्ट हो जाती है। खूब पसीना आता है तो बड़ा मज़ा आता है कि एक्सरसाइज भी हो रही है, अपना घर भी साफ हो रहा है और अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने हिसाब से सारा काम कर रहे होते हैं, और इस वक्त करीब 9:00 बज रहा होता है, और 9:00 तक देखिए मेरा कितना सारा काम हो चुका होता है। कभी 9:30 भी हो जाता है, लेकिन मैं इस चीज़ की टेंशन नहीं लेती कि क्या टाइम हो रहा है, बड़े आराम से इंजॉय करती हूँ और सारा घर बिल्कुल चमकना शुरू हो जाता है तो मुझे वैसे ही अच्छा लगता है। तो करीब 9:30 बजे तक देखिए ये सारा काम हो गया,
और सीढ़ियों की भी सफाई हो गई अब, क्योंकि ऊपर नीचे का मेरा काफ़ी बड़ा घर हो जाता है जिसमें 4 तो बेडरूम ही हो जाते हैं। और देखिए अब नीचे आके अब मेरी मॉपिंग हो गई, तो अब मैं मशीन के सारे कपड़े सुखा देती हूँ। अभी तो मैं अपने यूटिलिटी एरिया में ही सुखा रही हूँ, अदरवाइज़ मैं अपने इस कपड़े के स्टैंड को बाहर धूप में भी रख देती हूँ। उसके बाद जो यूटिलिटी एरिया है इसको अच्छी तरीके से पानी डाल के मैं कर देती हूँ साफ़, बिल्कुल चमक जाता है यूटिलिटी एरिया और तकरीबन मेरा काम ख़त्म हो चुका होता है। बाथरूम की सफाई नहाते टाइम ही करती हूँ या सब अपने बाथरूम की सफाई खुद करते हैं, मैं जब नहाती हूँ तब कर लेती हूँ। एक चीज़ और, अब मैं डालती हूँ चींटियाँ या कॉकरोच नहीं आए उनके लिए एक स्प्रे, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, इसे कोनों में छिड़क दीजिए, बिल्कुल भी चींटियाँ नहीं आती हैं। और फाइनल स्टेप है कि अब मैं बिछा देती हूँ सारे रग्स हुए, कारपेट्स हुए, उन सबको बिछा देती हूँ, घर साफ हो चुका है, मेरा काम ख़त्म हो चुका है। अब मैं देखिए नहा ली और काम हो गया ख़त्म। वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के संग। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।